हेलो एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है एनसीआईएसएम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो क्या होता है ये एनसीआईएसएम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स? तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2021 बैच से यहाँ पर एनसीआईएसएम एक्ट लागू हो गया है, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर कई सारे चेंजेस आए हैं बीएमएस को कोर्स को लेकर। जैसे कि यहाँ पर पहले इसका जो पैटर्न था वो चेंज कर दिया गया, सिलेबस का पैटर्न। दूसरा, पहले यहाँ पर ईयर वाइज सिस्टम होता था, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जो कि 12 मंथ का होता था, उसको यहाँ पर चेंज करके प्रोफ वाइज सिस्टम कर दिया। और यहाँ पर आपके कितने एनसीएसएम एक्ट के अकॉर्डिंग 3 प्रोफ सिस्टम होंगे, और हर एक प्रोफ में कितने मंथ होंगे, 18 मंथ के होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ चेंजेस आए। इसके अलावा यहाँ पर एक और मेजर चेंज आया था, वो है एनसीआईएसएम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को लेकर। इसका मतलब ये होता है कि आपके बीएमएस फर्स्ट प्रोफ में या सेकंड प्रोफ में, थर्ड प्रोफ में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इनके अलावा आपको हर एक प्रोफ में 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ना है, और इनकी क्लासेज जो होगी वो ऑनलाइन होगी, और ऑनलाइन इसका टेस्ट भी होगा, और इसके जो भी मार्क्स होंगे वो फाइनल यूनिवर्सिटी का जब रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर एड भी होंगे। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पर नियमित क्लासेस लेना होगी ऑनलाइन। उसके बाद जो भी शेड्यूल आता है तो आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट के मार्क्स आपके जब आपका फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम आएगा, रिजल्ट आएगा, तो उसमें ऐड भी होंगे। तो इसके लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको ncism-electives.org.in इस वेबसाइट पर आपको जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको आयुर्वेदा वाला जो सेक्शन होता है वो सिलेक्ट करना है। जब जैसे आप ये सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, और हर एक सेक्शन में आपको 6 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो ऐसे करके टोटल 18 सब्जेक्ट्स होंगे, और हर सेक्शन में से आपको एक मिनिमम सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि बात करते हैं, आप पहले सेक्शन में गए, वहां पर आपको 6 सब्जेक्ट्स मिलेंगे अलग अलग टॉपिक के रिगार्डिंग। तो उनमें से आपको जो भी, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर दूसरे सेक्शन में जाना है, वहां से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। फिर तीसरे सेक्शन में जाना है, वहां से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से वहां पर 3 सेक्शन होंगे, और 3 सेक्शन में से आपको एक एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। और इस सिलेक्ट करने से पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आयुष आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो आयुष आईडी है वो कहाँ से मिलेगी, आपको आपके कॉलेज से मिलेगी। तो इस आयुष आईडी की मदद से आपको पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको फिर लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको इन कोर्सेज को परचेस करना है। और इन कोर्सेज की अगर मैं फीस की बात करूँ तो हर एक कोर्स की फीस जो है वो कितनी है, 500 रुपीज़ है। तो इस तरह से 3 सब्जेक्ट्स हो गए, तो टोटल फीस यहाँ पर 1500 हो जाएगी, साथ में यहाँ पर कुछ टैक्स भी लगेगा। तो इस तरह से आपके जो एनसीआईएसएम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का जो रजिस्ट्रेशन की जो फी रहेगी वो कितनी रहेगी, लगभग 1700 रुपये रहेगी। और सभी को ये लॉगिन करना अनिवार्य है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एनसीआईएसएम की तरफ से एक नोटिस आया है। हालांकि इसकी जो रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट थी वो 20 अक्टूबर थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर कई कॉलेजेस थे जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, तो इसकी डेट को बढ़ाकर यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग देखो यहाँ पर नोटिस आया है, वह मैं आपको बता देता हूँ। आप इसका सब्जेक्ट देख सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ इनरोलमेंट फॉर इलेक्टिव बाय फर्स्ट प्रोफेशन ऑफ आयुष बैच 2022-2023। तो ये जो नोटिस है किसके रिगार्डिंग है, 2022 बैच के रिगार्डिंग है। 2023 बैच के रिगार्डिंग भी आगे नोटिस आएगा। तो अगर आप यहाँ तक अगर वीडियो में बने हुए हैं तो टेंशन मत लीजिए, हालांकि आप देख लीजिए कि आपके लिए भी ये एनसीएसएम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मतलब पढ़ना होगा, आपको भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक। तो देखिए आप ये लेकिन नोटिस है वो 2022 बैच के लिए, ठीक। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्दर टू कमीशन लेटर रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ इलेक्टिव फॉर फर्स्ट प्रोफेशन आयुष कोर्स 2022-2023 कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम मेनी कॉलेजेस इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट लास्ट डेट ऑफ इनरोलमेंट फॉर इलेक्टिव बाई फर्स्ट प्रोफेशन ऑफ आयुष कोर्स 2022 इज बींग एक्सटेंडेड टिल 30 अक्टूबर। तो पहले इसकी डेट चूंकि कितनी थी, 20 अक्टूबर थी, तो यहाँ पर फिर कुछ कॉलेज रह गए थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, और यहाँ पर उनके रिक्वेस्ट को मानकर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की जो डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, उसको 20 अक्टूबर से लेकर एक्सटेंड करके कितना कर दिया है, 30 अक्टूबर कर दिया है। तो जिन लोगों का भी रजिस्ट्रेशन रह गया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 30 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, और आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर आप नहीं करते तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है आपके रिजल्ट में, क्योंकि जब आपका फाइनल यूनिवर्सिटी का जब रिजल्ट आएगा तो एनसीआईएसएम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स वो एड होकर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने नहीं किया तो आप कर लीजिए, और
मैं इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो उसके मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी तरफ से जैसे कोई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।